और हम आपको कल देख देंगे और आपको कल भी होगी हमारी, आप आज भी कर दे और कल कल आएंगे आप देखेंगे और लाइक भी कर देना। और बच्चे भी खेल रहे हैं यहाँ पर, घर काफी। ये बादल साहब, बादल आप इधर आए, खड़े हुए हाथ दे मुझे, ये मेरी जान है। बादल खड़े हुए, बाहर आए बाहर आए। यहाँ बहनें खेल रही हैं जब आपकी हसीना परी हमारे घर की। इधर खड़े हैं बाजी, ये इतना खूबसूरत लड़का सिर्फ हमारे ही घर का हो सकता है, इतना हसीन हसीन बच्चा। हम जा रहे हैं दर्जी के यहाँ, और दर्जी के हम पहले भी बहुत दफ़ा, लाइक जब भी मरियम आप यहाँ आई हैं हम दर्जी के गए, मगर दर्जी की जो है शॉप बंद होती है और उन्होंने अपनी शॉप भी चेंज कर ली है। और बच्चे यू नो यूजली हमेशा पीछे लगते हैं, तो आज भी बच्चे बहुत ज़्यादा पीछे लगे हैं। तो अब हम जा रहे हैं, बीच में बैकरी पड़ती है तो यमुना यहाँ से ज़रूर जूस वगैरह और अपनी खाने पीने की तमाम चीज़ें लेती है, मुझे भी खिलाई थी और महानी ने भी ले लिया था। तो बस यहाँ पर ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि कौन सा जूस लें। और जाहिर सी बात है आप लोग के साथ ऐसे ही होता होगा, जब भी आप लोग हम लोग किसी भी शॉप पर जाके खड़े होते हैं तो हमारे पास ऑप्शन इतने होते हैं कि हम जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि क्या लेना है क्या नहीं लेना, दिल चाहते हैं कि यहाँ पर हम लोग बेकरी से जूस वगैरह लिए। और उसके बाद हम लोग जब आ रहे थे तो ये हमारे पीछे घर के एक अंकल, उन्होंने न्यू शॉप ओपन की है, बच्चों के चीज़ें हैं, बच्चों के टॉयज वगैरह भी हैं इनके पास, स्टेशनरी वगैरह, बुक स्टोर लाइक इन्होंने बनाया हुआ है इस जगह को। बहुत प्यारी शॉप है, छोटी छोटी सी बहुत प्यारी प्यारी, प्यारी चीज़ें और अच्छे प्राइस में भी हैं, तमाम रिजनेबल प्राइस में तमाम चीज़ें हैं। और यमुना ने फिर मेरे को एक किचन दिलाई थी, मुझे एक स्टिकर का पैकेट दिलाया था, मुझे अच्छा लग रहा है। तो बास्केट वाला मैंने की, यमुना महानो ने ये वाली किचन दी और एक स्टिकर लिया था। तो महानो ने बिल्कुल रफ चीज़ें ली थी जो उनके काम की नहीं थी, तो यमुना का गुस्सा भी कर रही थी कि मैं उसको चीज़ नहीं दिलाऊँगी अब आगे से, ये नहीं मान रही है बात, क्योंकि महानो बाहर जाती है तो फिर वो बात भी नहीं मानती, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। तमाम चीज़ें अंकल की शॉप पर बहुत ही प्यारी थी, तमाम चीज़ यहाँ पर मानो ने बहुत ही प्यारा सा किचन ले लिया है, क्योंकि मानो नहीं मान रही थी, हमारे लिए बेक में भी नहीं रखी गई, लेकिन बस मानो को अच्छा लग रहा था तो मानो ने जिद करके ले लिया। तो अक्सर हम लोग मानो को बाहर इसलिए भी नहीं लेके जाते क्योंकि मानो जो है बहुत ज़्यादा जिद करती हैं बाहर जाती हैं, तो देखिए मानो ने ले लिया है। तो बस थैंक यू यमुना, थैंक यू सो मच यमुना। हम लोग को जब भी बाहर, जब मम्मी के घर जाती हूँ तब यमुना के घर बाहर जाती हूँ, तो यमुना हम लोग को कुछ ना कुछ ज़रूर दिलाती है। मैं यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रही थी, इतने प्यारे प्यारे स्टिकर्स थे तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ। तो फिर मैंने यहाँ पर बटरफ्लाई भी मुझे बहुत ही प्यारी लग रही है, और साथ में बास्केट्स वाले भी मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, स्माइल्स भी थी वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा स्टिकर लूँ। तो फिर यमुना ने कहा कि स्माइल वाले ले लो फिर, मगर मुझे बास्केट्स अच्छी लग रही थी। तो मगर अब मैं जब घर पर बास्केट ले आई तो मुझे स्माइल्स बहुत अच्छी लग रही है, मेरा दिल कर रहा था नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो स्माइल वाले स्टिकर लूँगी। और भी अंकल के पास बहुत सारी वैराइटीज़ थी स्टिकर्स की, तो फिर मैंने जो बास्केट वाले हैं ये डिसाइड किए। आगे डॉल्स वगैरह भी लगी हुई हैं बहुत प्यारी है, और ये टॉयज़ वगैरह बच्चों के घर में खेलने वाले बर्तन वाले सेट भी बहुत प्यारे प्यारे थे। और यहाँ पर मैंने ले लिया, किचन्स बहुत प्यारी थी, यमुना का दिल कर रहा था लेने का मगर मैं डिसाइड नहीं कर पाई थी कि लूँ या नहीं लूँ। ये सेट भी अंकल ने दिखाया था कि देखिए उसमें वाइपर लगा हुआ, कितना प्यारा सेट है। मानू यहाँ पर फिर जिद करने लग गई कि अब मुझे स्टिकर चाहिए, तो फिर यमुना ने उनके स्टिकर का पैकेट भी दिलाया था जो घर आके उन्होंने सारा वेस्ट कर दिया। मानो ने भी यहाँ पर स्टिकर ले लिए थे अपने, डिसाइड करी थी कौन सा लेना उनको, हालांकि अंकल ने भी समझाया कि मेरा काम नहीं है तो मतलब मैंने भी समझाया, मुझे वाइफ वाले स्टिकर बहुत प्यारे भी लग रहे थे मगर मानो ने नहीं लिए, ये देने से। मगर बच्चे तो आप लोग को पता है कि नहीं मानते हैं कि। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। 20 वाले ठीक है, 10 वाले भी हैं, 10 वाले दिखाओ।
और ये जितने लगे हैं सब पाँच वाले हैं, जितने मानो फाइव वाले में से ले लो, वो अच्छे हैं। ये वाला ये वाले ले लो, आपके स्टिकर लगाने का कोई काम तो है नहीं। हाँ नहीं है तो फिर बेला वजह नहीं लगे हैं, पता पैसे जाए होंगे, फिर पड़ा रहेगा उधर खराब है। सारे मम्मा ने माँ बाबा को रोने नहीं दे, उनका दिया लड़के ने हमारे छोरे मैंने मारा हो तो अल्लाह का हमारे बाप को फिर से दे तो मैंने भी बोल दिया तो मैं क्या करूँगी, तो मैं भी पढ़ते रहूँगी ताकि मारे बाबा तेरा ताऊ तारा लगेगा तो हम भी कुछ कमाएंगे, तो मम्मा तो हमको प्यार भी करते रहेगी मारी की थोड़ी, और हमको प्यार भी अति भी रही जाएगी और हमारे माँ बाप को भी। मैंने क्या दुआ मांग रही हो आप? ये कोई दुआ में क्या आप बातें कर रही हो, दुआ मांग रही हो? बाप माइदा दुआ ऐसे माइदा ये कौन दुआ मांगते है ऐसे, दुआ कैसे मांग रही हो आप? आप बताओ आप क्या कर रही थी दुआ में, क्या मांगा है? मैंने पापा के पैसे मांगे, पैसे मांगे मैं पापा के, कैबिनेट मांगे, कैबिनेट मांगा है। हाँ। अच्छा तो क्यों कैबिनेट क्यों मांगा है आपने? अपने खिलौने रखने के लिए, अपने खिलौने रखने के, अपने खिलौने रखने के कैबिनेट मांगा अल्लाह तआला से। हाँ। और क्या मांगा है? और क्या तो ट्वाइस नहीं मांगे आपने? मांगे। और क्या मांगा है आपने? तो आप ये दुआ कैसे मांग रही थी अल्लाह तआला से? मम्मा तो मास माइजा क्या लगी और आप वीडियो में लाइक कर दीजिए।